हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कि डीएमडीएफ को ब्लॉक क्यों करते हैं। तो जब डीएमडीएफ से मिलते हैं तो उनके अंदर एक आकर्षण होता है दोनों के अंदर, और डीएम तो ज़्यादातर डीएम फ्लॉटी नेचर के होते हैं और उनको यही लगता है कि ये भी नॉर्मल फेमिनिन की तरह होगी, जैसे बात किया, एंजॉय किया और फिर अपने अपने लाइफ में मगन हो गए कुछ दिनों के लिए। तो डीएम सोचते हैं कि चलो इसके साथ भी एंजॉय किया जाए, लेकिन जैसे जैसे वो लोग की उन लोगों की बातचीत आगे बढ़ती है और फिर आकर्षण बढ़ता जाता है, और ये जब आकर्षण बढ़ता जाता है और डीएम जब बबल फेस में होते हैं तो कहीं ना कहीं डीएफ की एनर्जी से घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं और डीएम को कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है कि मुझे ये कहीं अपने में बांध ना ले, मैं बंधन में न पड़ जाऊँ पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए। और डीएफ की एनर्जी और डीएफ का जो उनके अंदर जो पावर होती है उससे डीएम घबरा जाते हैं, क्योंकि डीएम स्वच्छंद रहना चाहते हैं, उनकी आत्मा नहीं चाहती है कि वो किसी बंधन में बंधे। उनकी आदत होती है इससे फ्लर्ट करो, आगे चलो उससे फ्लर्ट करो और फिर निकल चलो। लेकिन जब डीएफ से मिलते हैं और बातचीत होती है डीएफ की, कहीं ना कहीं कोई कोई डीएफ जो होती है कमिटमेंट की मांग करती है, तो डीएम घबरा जाते हैं। और उनके लाइफ में कई कार्मिक भी होते हैं जो उनके और अन्य लव पार्टनर होते हैं, और ऐसे डीएम के ऊपर बहुत सारे बर्डन भी होते हैं, बहुत काम होता है उनके मतलब लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिजी होती है उनकी लाइफ। तो उनको लगता है कि ये ऑलरेडी मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारी है, इसको मैं कैसे संभालूंगा, कहीं ऐसा ना हो पूरी लाइफ के लिए मेरे जीवन में आ जाए और मैं इसके साथ बंधन में बन जाऊँ, मुझे इसकी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। तो उनको लगता है कि वो कहीं बंध के ना रह जाए। तो मतलब और ऐसे भी कोई फीलिंग्स उस वक्त तक नहीं होती है डीएफ के प्रति उनके अंदर, बस वो तो एक एंजॉयिंग वाली फीलिंग होती है कि हाँ चलो फ्रेंडशिप हुई, बात हुई, एंजॉय किया, ख़त्म। तो लेकिन डीएफ सीरियस होती हैं, क्योंकि डिवाइन ने तो स्पेशली डीएम और डीएफ को एक दूसरे के लिए बनाया होता है, तो डीएफ के अंदर अवेकनिंग शुरू हो जाती है कि ये उनका डीएम है। लेकिन डीएम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी अवेकनिंग चूँकि हुई नहीं होती है और कहीं ना कहीं डीएफ की एनर्जी से घबरा करके वो डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं। बस फ़िलहाल इतना ही, आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।